अंकल जी सब्जी दे दीजिए, प्याज डाल दीजिए और गाजर दे दीजिए। कितने हुए? 40। वाह यार, बचपन याद आ गया। क्या दिन होते थे। क्यों ना मैं भी एक खिलौना ले लूं। बैक टू वर्क। अरे यार, हर बार भूल क्यों जाता हूं। मैं बच्चा थोड़ी रहा हूं। खैर जाने दो, ऑफिस का काम बहुत पड़ा है। अरे बंधु, क्या हुआ? ऐसे मुंह मोड़ के कहाँ चल दिया? अरे ऊपर नहीं, यहाँ नीचे। तुम कैसे बोल सकती हो? बोल रही हूँ, तभी सुन रहे हो तुम। और वैसे शायद तुम कुछ भूल गए हो। मैं क्या भूल रहा हूँ? बचपन में तुम मेरे साथ ही खेला करते थे और मुझी से सारी बातें भी करते थे। बचपन में तो बहुत पसंद थी मैं, पर अब क्या हुआ? अब शायद पसंद नहीं हूं। अरे नहीं, पसंद तुम अब भी हो, बहुत ज्यादा। अच्छा? हाँ। आ जा फिर, जैसे बचपन में खेला करते थे वैसे खेलते हैं। अरे नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा हो गया, 100 जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। अगर तुम्हारे साथ यहां बैठ के खेलने लगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इतना बड़ा हो गया है और अभी भी खिलौनों से खेलता है। अरे बंधु, ये तू कैसी बातें करने लग गया है? और तू सोच भी किन के बारे में रहा है? इन लोगों के बारे में जिन्हें तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर तू कुछ अच्छा करेगा तो ये लोग तेरे से जलेंगे, और अगर तेरे से कुछ खराबी हो जाए तो यही लोग तेरे पे हंसेंगे भी। ये सब ना कहने सुनने की बातें होती हैं। असल दुनिया में तो लोगों के हिसाब से जीना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अपने सपनों को, अपनी भावनाओं को दफनाना पड़ता है।
अरे बंधु, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये लोग ना ही तेरे ऑफिस का काम करेंगे और ना ही तेरे बॉस की गालियां सुनेंगे। तू जो भी करेगा तो खुद के लिए करेगा। और इन लोगों ने तो तुझे ये भी नहीं बताया कि तेरा पैर कीचड़ में धंसा हुआ है। क्या? कहाँ? ओ शिट यार। तो फिर अब? बहुत हुआ ये खेल, अब अपना वो ही पुराना खेल खेलते हैं। चल वापस मेरे साथ, अपनी दुनिया में चलते हैं। चल वापस मेरे साथ, अपनी दुनिया में चलते हैं। कच्ची जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से जियो, वरना थपक के सुला दिए जाओगे, इस भेड़ चाल का हिस्सा बना दिए जाओगे। Mm-hmm.